Shanti Niwas Charitable Trust has initiated this special program during this COVID lockdown, and the program Sabka Saath will incorporate many of the members who will always, you know, we love to speak to, and they'll share some special insights. Today we have Shashiji and Meghnaji. Namaste. How are you? Can you hear me well? Yes, yes. Namaskar, Hemantji. Kaise ho aap? Theek ho? Theek hai. Very good. And Meghnaji, aap? बहुत अच्छे हैं सबको मिस कर रहे हैं यहाँ पे मिस करते हैं वही मैं सोचने वाला था वही आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जब हम मिलते थे तो हफ्ते में महीने में जब भी कोई फंक्शन होता था तो लुक फॉरवर्ड करते थे अब रूबरू बात फोन पे हो रही है ये हो रही है बट ऐसा लग रहा है कि ये इनफ है ये कॉन्टेक्ट इनफ है कि थोड़ा कॉन्टेक्ट भी अच्छा है ये ऐसा है जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वो मिलना जुलना तो अलग ही चीज होती है सब हंस के मिलते थे सुख दुख शेयर करते थे साथ में खाना खाते थे पर बिल्कुल ही ना से मच बेटर नाउ शशि जी हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे मैं शशि आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार वाओ थैंक यू देखो कितनी अच्छी बात आपने गा भी दिया जबकि आप दोनों शांति निवास के साथ जुड़े हुए हैं मेंबर्स को हेल्प करते हैं और यू नो वो करते थे तो अभी इन दिनों में जब आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है क्या क्या मिस कर रहे हैं किनको मिस कर रहे हैं मिस तो बहुत करते हैं देखिए शांति निवास आप हेमंत जी मेरे लिए एक जुनून कहो एक नशा कहो आप समझ सकते हैं क्या है कुछ दिन लगा बट फिर उन्होंने हमारे ग्रुप्स बना दिए व्हाट्सएप ग्रुप ये ग्रुप वो और फोन पे भी बात करते रहे और दो दिन हमने ये एपिसोड भी देखा तो बहुत अच्छा लगा फिर से वो थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हो गया है थोड़ा टच ग्रुप बात कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है ग्रुप में बात कर रहे हैं जी जी आपको हाँ मैं ये कहूंगी कि थक के बैठे हैं हम हारे नहीं है बाजी हाथ से निकल गई तो क्या जिंदगी अभी बाकी है फिर मिलेंगे फिर मजे करेंगे फिलहाल तो मिस कर रहे हैं बस वेरी गुड अच्छा जो हमारे मेंबर्स है जो शायद यू नो हमेशा सबका पॉजिटिविटी वो नहीं रहता है तो आप वो पॉजिटिविटी कैसे लाते हैं आप वो कैसे लाते हैं हौसला जिसको हम कहते हैं कि अंदर का जुनून अंदर का जोश कि चलो आज भले ही फलाना दिन है आज सातवां दिन है आठवां दिन है वो परवाह नहीं है वो कैसे आप में आता है वो बताइए हमें जरा उनसे बात करते हैं बहुत बार होता है कुछ लोगों का कभी मूड नहीं होता है पार्टिसिपेट करने का या कुछ भी तो उनका हौसला अफजाई करते हैं थोड़ा सा उनको एनकरेज करते हैं यस यू कैन डू इट कुछ बातें ऐसे करते हैं धीरे धीरे वो उनको जब मजा आता है तो देन दे आल्सो पार्टिसिपेट इंटरेस्टिंग शशि जी हाँ जी मैं तो बहुत कुछ सीखा है मंजी शांति निवास में आकर जब से मैं इंडिया से आई हूँ ऑलमोस्ट मुझे 7 years पहले मैं आती जाती थी बट अब 5 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए कि शांति निवास से जुड़ी हूँ और बहुत कुछ सीखा है आते ही शांति निवास में कदम रखा वेरी गुड मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि कभी कभार लोग सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं कैसे हमेशा हर जगह जा पाते हैं इतनी एनर्जी के साथ पर मैं अपने आप को कहता हूँ कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आई हैव टू बी देयर हमारी रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिटीज है आपके पास कुछ है जो लोगों को चाहिए होता है चाहे वो एक पल के लिए जाए चाहे उस दिन आपको बोलने का मौका मिले ना मिले खाना मिले ना मिले पर लोगों का मिलना बहुत जरूरी है सो वो बहुत अच्छी बात है शांति निवास के जो मेंबर्स इन दिनों सहायता चाहते हैं उनको सहायता तो मिल रही है लेकिन आप अपने रूप से अपने और से क्या ऑफर करना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप उनकी सहायता कर सकते हैं कैसे अपने द्वार खुले रखे हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे बड़ा तो ये आपने जो किया है बहुत ही बढ़िया शुरू किया है एक दूसरे को देख सकेंगे बाकी उनको फोन से कांटेक्ट वगैरह करके उनको किस चीज की जरूरत है क्या है वो हम उनसे करेंगे और जो उनको प्रॉब्लम होगी वो हम शांति निवास नीलिमा जी को ज्योति जी को बताएंगे वो आगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे होपफुली अगर इस तरह भी ये सब चलता रहे तो
काफी दिन कुछ अच्छी तरह से उनके निकल जाएंगे, इसका बोझ थोड़ा कम होगा। मेघना जी आप कह रहे थे, बिल्कुल जी, मेघना जी हम सॉरी जी, हम तो ऐसे देश में हैं जहां बंद दरवाजे खुली खिड़कियां देखी है, तो अब सोचते हैं कि उन जाके दरवाजों को खटखटाए। बिल्कुल, मैं मेघना जी से वही सहलाए जी, मेघना जी से वही पूछ रहा था, पूछने वाला था कि जो कपड़े आपने पहने हैं, मतलब कि यू नो यू लुक एट मी टुडे, आज मैंने कहा कि चलो एक अच्छा शर्ट पहना जाए, क्योंकि घर में रहेंगे तो वही यू नो मुफलिसी की तरह घूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स एक्ट रोल। एंड हम लोग जैसे सुबह में उठ के योगा, मेडिटेशन, रिफ्रेश एयर लेना, तो मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जाते जाते अच्छा लग रहा है कि आप सबका साथ में है और सबके साथ है, तो शांति निवास मेंबर्स जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि ऐसे हालात में कोई गीत जैसे आपने तो गा दिया, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। मैं और ये कहना चाहूंगी कि शांति निवास वो जगह है जहाँ अनहोनी को होनी में बदला जाता है, तो यहाँ आने के बाद सब एकदम खुश होते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें मैके आए ऐसे लगता है, कई लोगों को लगता है खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सो दे आर ऑल हैप्पी। और अभी भी किसी को कोई समस्या है तो वो हमसे फोन करके बात कर सकते हैं, हम बीच की कड़ी है, देन हम अपने सीनियर्स से वो करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस वक्त फिजिकली तो नहीं हो सकता है, मगर जितना भी हो सकता है कम्युनिकेशन या जो भी कुछ पॉसिबल है वो वी विल डेफिनेटली ट्राई। कड़ी शब्द आपने जो कहा, वो कड़ी और कड़ा दोनों एक साथ अभी हो गया है। देखिए कह रहे हैं कि चेन को तोड़ो, हमारी चेन जो हमने जोड़ी है उसको हम नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन जो जो संबंध है, जो रिश्ता है वो बना रहेगा, लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं है ताकि एक दूसरे एक अच्छे दूसरे को लगे ना। और जैसे कि दुनिया में कहा जा रहा है ना, जैसे मेघना जी आपने, शशि जी आपने दुनिया बहुत देखी है कि हर हालात में से हम उभर के कुछ नया कर पाए हैं, तो ये एक अच्छा दौर है कि हम और स्वस्थ रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे और माहौल ठीक करेंगे और अच्छा करेंगे। यही मेरा यही हमेशा पॉजिटिविटी रहता है। अरुण आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सब कुछ कर दिखाओ, किसे मिलेंगे? हाँ जी, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करे आपके जैसा। सो शांति निवास ने ये शुरू कर दिया है, और मैं जो भी हमारे ये सुनने वाले हैं फेसबुक पे लाइव जो देख रहे हैं सुनने वाले, वो प्लीज आइए हमसे जुड़िए, ये मदद का समय है, मदद बांटिए, खुशियां बांटिए, प्यार बांटिए, ये बांटने का समय है। सबसे मिलिए, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, उनके दुख बांटिए, उनको समझिए। शांति निवास के बहुत सारे ग्रुप्स है, खुशी है, दोस्ती है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है उनके, कहीं मदद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच शशि जी और मेघना जी, आने वाले दिनों में कुछ और बातें करेंगे और सबके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू हेमंत जी एंड नीलिमा जी, ज्योति जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार सो मच। और शांति निवास के बारे में बोलना चाहो तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, मगर गिवन टाइम में इतना ही बोल सकते हैं हम। सो थैंक यू एवरीवन, नीलिमा, ज्योति, शशि एंड ऑफ कोर्स यू सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। एंड नाम के साथ यूं ही मिलते रहेंगे और ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेगा ताकि हम सब मिलके एक अच्छे समाज का निर्माण करें, और यहाँ की देखो, यहाँ की नहीं दुनिया भर की जो समस्या है, जो जिसको हम सब यू नो कुछ जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, पर जो कर रहे हैं उनके लिए तालियां बजानी चाहिए कि जो नर्सेज है, डॉक्टर्स है, जो वर्कर्स है, और जैसे कि आप लोग भी हैं, कभी कभार मैं अक्सर कहता हूँ ना कि जो ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या करूंगी, नहीं, आप कर सकते हैं, हमारी सद्भावना, हमारी एनर्जी लेवल उनको दे सकते हैं कि भाई इनको और हौसला मिले और यू नो एनर्जी मिले। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार। सेंटर में सब रोज इतने मिलते हैं, सबको हम खाना खिलाते हैं, लास्ट में खुद खाते हैं, तो अभी जब निवाला के पास आता है इतनी याद आती है सबकी कि कब मिलो और कब ज्वाइन करूं। जल्दी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। वो पल का बयान करना बहुत मुश्किल है कि जब सब मिलेंगे, पर यू नो वही है कि थोड़े दिनों और ये दूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक महीने बाद, शायद डेढ़ महीने बाद कुछ हो, पर
जैसे जो भावना है ये मिलने की, वो दूर से भी नमस्कार करके, दूर से भी आदाब करके हम एक दूसरे को कहेंगे कि नहीं बहुत जब तक बाजार में भी मजा है जी, बिल्कुल यही दीदार करते रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।